पन्ना के पवई सीओ भागीरथ तिवारी द्वारा रविवार को ग्राम पंचायत मुंडवारी कृष्णगढ़ सलवारी मुरकुझू आदि ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया गया एवं कई दिनों से हितग्राहियों को मिले आवास में काम पूरा न करने पर उनके घर पहुँच कर हितग्राहियों को 10 दिन में आवास पूर्ति करने के निर्देश भी दिए गए एवं ग्राम पंचायत में स्वीकृत आवासों को जल्द से जल्द पूरा करे जाने की हितग्राहियों से बात कही गई और ग्राम में नवीन सीओ भागीरथ तिवारी द्वारा भ्रमण कर स्वच्छता को लेकर ग्राम पंचायत सचिवों को निर्देशित करते हुए कहा गया कि ग्राम पंचायत में जो कचरा घर बनाए गए हैं उसमें सभी ग्राम के लोग अपना अपना कचरा लेकर जाने। वहीं 400 दिनों से चल रही सीएम हेल्पलाइन की शिकायत का निराकरण करते हुए हितग्राहियों द्वारा शिकायत को भी कटवाया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित रहे ग्राम पंचायत के सरपंच अरविंद दहायत, ग्राम पंचायत सचिव विनोद पाठक, रोजगार सहायक आशीष खरे, कृष्णगढ़ सचिव राजेंद्र पांडे, बाल मुकुद नामदेव, कमलेश विश्वकर्मा सहित कई लोग उपस्थित रहे। जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग के हिसाब से पंचायतों का भ्रमण करते हैं, उसी तारतम्य में आज हम जो है मुड़वारी पंचायत में भ्रमण के लिए आए थे। यहाँ पे हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रगति काफ़ी कम दिख रही थी तो हमने कहा समस्या का मालूम लगाया जाए किस स्तर पर समस्या है। कुछ हितग्राहियों से भी मुलाकात की है और अपने ग्राम पंचायत की टीम से मुलाकात की है, उस समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त की है। इन लोगों ने बताया गया है कि अब जो है समस्या का निराकरण हो गया है और हम जल्दी से जल्दी आवास पूर्ण करवा लेंगे। और दूसरे जिलों में सीएम हेल्पलाइन भी एक काफ़ी समय से लंबित थी, बाल मुकुंद जी नामदेव द्वारा लगाई गई थी तो सीएम हेल्पलाइन के संदर्भ में उनसे भी मिला, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हम अब कार्रवाई से संतुष्ट हैं और हम इसको सीएम हेल्पलाइन को बंद करवा लेंगे। स्वच्छता के संबंध में शासन का जो मिशन चल रहा है उसके अंतर्गत हम लोग सारे गाँव में सफाई अभियान चला रहे हैं, उसके अंतर्गत हमने ग्राम पंचायत को निर्देश दिए हैं कि ग्राम में एक दिन अभियान चला के जो भी गांव में कचरा कहीं भी पड़ा है उन कचरे को सब इकट्ठा करके और नाड़े पर जो अब नाड़े बनाए हुए हैं उन नाड़ों पर भरवा दिया जाए, जिससे दोहरा लाभ होगा। एक तो गांव में स्वच्छता हो जाएगी, बीमारी से निजात लोगों को मिलेगी और नाड़े पर भरने से उसका खाद भी बन जाएगा, तो उसके लिए बाद में किसानों को देके उनको भी लाभान्वित किया जा सकता है और ग्राम पंचायत को भी आमदनी होगी उससे। ये मुख्य उद्देश्य था। पन्ना से राम नरेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट।